वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज़ लाउंज। आप सबको ईद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। मैं तो बहुत खुश हूँ ईद पर, क्योंकि मैंने आज फाइनली तहिया किया, डिसाइड किया, तहिया बोलते हैं, यही बोलते हैं, सही बोलते हैं, अच्छा मैं उर्दू से ही बोल रही हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं 3 दिन तक सब कुछ खाऊंगी जो मेरे सामने आएगा, इंसान के अलावा, और ऐसी चीज़ें जो हराम उसके अलावा, मैं सब कुछ खाऊंगी जो मेरे सामने आएगा, हलाल से कमाया हुआ। सो आज से मेरी कोई डाइट नहीं है 3 दिन तक, ठीक है ना? श्योर? हाँ, वरना मेरे अब्बू मेरे पीछे पड़ते हैं। अब जैसे ही मैं कुछ खाना शुरू करती हूँ, हिप्नोसिस का लेके ना, वो आ जाते हैं मेरे पीछे, आओ तुम्हें हिप्नोसिस करूँ, तुमने फिर खाना शुरू कर दिया है। बट ईद पे आप भी खाएं, हम भी खाते हैं, मजे करें, भूल जाए सारी टेंशन को, भूल जाए सारी परेशानियों को, अपने घर वालों से मिले, सबको हक्स करें, बच्चों को ईदी दे बहुत सारी, क्योंकि मैं तो वेट कर रही हूँ, मेरे कब अंकल आंटी घर पर आने वाले, तो ईदी मिलेगी, सो दैट आई विल गो एंड शॉप। यू टेल मी, व्हाट डू यू डू ऑन ईद? ईद यूजुअली जो है, जो आज का जो पहला दिन होता है वो फैमिली के साथ होता है, दैट्स डेफिनेटली डेडिकेटेड टू फैमिली। सेकंड डे जो है वो फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, उनके डिनर्स, एंड थर्ड डे इज फॉर माय फ्रेंड्स, लाइक पर्सनल फ्रेंड्स। पर्सनल फ्रेंड्स। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ईद के बारे में सबसे स्पेशल बात आपको क्या लगती है? ईद के उसमें सेंस ऑफ यूनिटी, लाइक पूरे साल जो है वो इवन सब इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में, लाइक इवन आपके रिलेटिव्स या ओन सिबलिंग्स कोई बात नहीं करता, बट ईद ऐसा मौका है जो सब घर वालों को साथ ले आता है। सो यू नो, जो वो एक फैमिली सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान में है, और जो रीयूनियन होता है, दैट्स लाइक द बेस्ट फीलिंग। डू यू स्टिल गेट ईदी? बिकॉज़ आई डोंट नो, आई डू। You do? Luckily, अगर नहीं होता तो फिर मैं जबरदस्ती हूँ। ईदी मस्ट है, ईदी मस्ट है। मेरे पास अभी खुद अपने नीसेस नेफ्यू है, बट देन अगेन स्टिल ईदी इज मस्ट, राइट? मैं इनके पीछे, पता है, पहले रमजान से पड़ी हुई हूँ, मेरे ही इज माय फादर, सो पहले दिन से मैं इनके पीछे पड़ी हुई हूँ। क्या मुझे क्या ईदी दे रहा है, मुझे कितनी ईदी मिल रही है, क्या मिल रही है, प्लीज लाइक तुम्हें कोई चीज चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, क्या चाहिए? मैं कहा पैसे भी चाहिए और चीज भी चाहिए, बिटवीन देम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, द इंटायर टाइम यू वॉन्ट पीपल टू लुक good, right? Mm-hmm. And you do your best for that. Exactly. What about family members? I'm sure you're not giving time to them when they want to come and actually it does, actually, huh? Because family mein ye hota hai ki family mein koi formality nahi hoti, so even if I'm like, you know, asking them ki abhi nahi, abhi nahi, to wo zabardasti aake baith jaate hain. Acha, so ha, so they know how to take their time off, you know, take their part from my time. So yeah. Acha, agar main kahun ki Eid pe sabse special kaam aap kya karti ho? Do you cook on Eid day? Do you sleep late? Do you eat only like me? I eat or only. What do you do? ईद पे सबसे स्पेशल काम है कि ईद पे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ईद पे आई ट्रीट माई सेल्फ लाइक अ प्रिंसेस, एज इफ लाइक यू नो कि मैं अभी स्टिल आई एम इन माय टीन्स, तो आई वांट यू नो माय मॉम टू मेक गुड फूड फॉर मी, लाइक अच्छा से खाना बनाए अम्मी, और अब ईदी दें और तैयार होकर बैठ जाना। तो अभी तक बेशक जो है हम जितने भी बड़े हो जाए, मुझे तो यू नो ईद पे आई एम स्टिल अ किड। अच्छा, मैं सिर्फ इधर तैयार होकर आई हूँ ईद पे आज के दिन, वरना ईद के दिन अगर आप मुझे सुबह देखती तो मैंने अपने पीजेस पहने हुए थे, एंड आई वाज जस्ट वाचिंग मूवीज, बिकॉज दैट्स माय मूवी टाइम, ईद इज माय मूवी टाइम, 3 days एंटायर टाइम आई एम वाचिंग मूवीज फ्रॉम 10 इन द मॉर्निंग टिल 5 इन द मॉर्निंग अगेन, एंड देन आई स्लीप अ फ्यू आवर्स, देन अगेन गेट अप एंड स्टार्ट वाचिंग मूवीज। आई डोंट नो व्हाई आई लव वाचिंग मूवीज ऑन ईद, डोंट मीट एनीवन, आई डोंट नो व्हाई आई डोंट मीट एनीवन, दैट्स सो बैड। आप बताएं सर, आप कैसे ईद गुजारते हैं? वेल विद द फैमिली, बेहतर होता है कि पहला दिन फैमिली के साथ आप गुजारें। And I enjoy my Eid with my grandsons. Oh, you have grandsons? Yes, Alhamdulillah. कितने साल के? 6 साल, 7 साल, 4 साल के जी, माशाल्लाह। तो अब हम आपकी age disclose कर दी हमने। जी माशाल्लाह। ईदी मांगते होंगे, बड़ा अच्छा लगता है। जी जी, I like giving Eid to everyone. You know, अब तो मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे तो कोई भी नहीं देखा। आपका कार्ड मेरे पास, आपको पता है, बोलना जी। I think I have your number. बहुत छोटे। बिल्कुल, most welcome. अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है, अगर इनको देखा जाए तो ये बहुत मीनिंगफुल होती है लाइफ के अंदर। अब आप जो काम भी कर रहे हैं, ये भी जब आपको पता चलता है कि आपने जब कोई काम किया और वो काम जो है वो हो गया, किसी की ज़िंदगी बन गई, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको बुलाएंगे प्रोग्राम से, तो क्या फील होता है अंदर, जैसे कि कुछ हक अदा हुआ बंदगी का कुछ? जी, जब माँ बाप झोलियाँ उठा उठा के ऐसी ऐसी दुआएँ देते हैं जो जिनके मुझे पता भी नहीं होता कि क्या मायने हैं, और मैंने कभी वो दुआएं भी नहीं सुनी होती, तो वो दिन मेरा ईद का दिन होता है। जब मुझे कोई रात को 2 बजे फ़ोन करता है, उसको ब्लड चाहिए और मैं उसके लिए ब्लड अरेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई आई एम द गारंटर, डोनर सुबह आ जाएगा, मैं कहता हूँ उसको ब्लड मिल जाता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मुझे खबर पता लगती है कि कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको दूर करना चाहिए, और वो हो सकती है, लाइक कोई जल गया उसको बर्न सेंटर में हेल्प मिल सकती है, मेरी एक फ़ोन कॉल पर उसको VIP ट्रीटमेंट मिल जाता है,
और या कुछ भी जैसे और भी बहुत सारी चीजें अचीवमेंट, तो ये एक ऐसी खुशी होती है जो मुझे हर रोज ईद मिलती है। आप तो आज ईद मनाने की बात करें, मैं इतना बड़ा खुश नसीब हूँ और मैं अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। और मेरा सर नहीं सिजदे से उठना चाहिए कि वो मुझे रोज ईद मनाने की देता है। और मैं जिस चीज के लिए भी कोशिश करता हूँ, मैं अभी इस ईद पे खुशखबरी देना चाहता हूँ डॉक्टर मोइज़ लॉन्च प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों की बसात से, कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करें और वो है पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग, जिसको आप दूसरे लफ्जों में कर्ज असना भी कह सकते हैं। हमने ये लोगों से अपील की है और मैं ये लोगों से कह रहा हूँ कि कम्युनिटी बेसिस पे जो भी कम्युनिटीज हैं वो अपने बेसिस पे कुछ ऐसे फंड फ्लो करें और उस फंड्स के तहत अपनी कम्युनिटी और इसके अलावा लोगों को उनके पैरों पे खड़े होने पे मदद करें। इट इज समथिंग आवर कम्युनिटी इज आल्सो डूइंग इट राइट, कि वो बहुत माइक्रो फाइनेंस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है एंड इट इज रियली सपोर्टिंग द पीपल एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर आपसे आप अपनी बात कंप्लीट करें, अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने कहा कि मैंने काफी टेंस बातें की, तो मैं एक अच्छी बात भी कर रहा हूँ। देखिए टेंस बात पे मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ कि टेंस तो पूरा माशरा है। हम हर आदमी झूठे हंसी लेकर बैठे हैं, पूरा माशरा किसी न किसी गम और तकलीफें मुब्तला। अगर हम एक दूसरे का गम और तकलीफों को बांटना शुरू कर दें, ये सबक अगर हमने सीख लिया ना, तो आप यकीन जानिए हम रोज ईद मना रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक ईद की खुशखबरी ये भी है कि माइक्रो फाइनेंसिंग की तरफ अगर आप जाते हैं पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग कर्ज इतना पे, तो आपको उसमें किसी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी गारंटी के तहत आप किसी को भी उसके पैर पे खड़ा कर सकते हैं, उसको पैसे दे सकते हैं। आज मैं मिसाल दूंगा, आज का यूथ अनएम्प्लॉयड है, उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जॉब की, वो क्यों फिर रहा है, उसे एंटरप्रेन्योर बना दे, जॉब नहीं मिल रही, वो दो आदमियों को जॉब देने वाला बन जाएगा। तो कम्युनिटी बेसिस पे मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, छोटे बड़े अदारे अपने एक फंड कायम करें और उस फंड का नाम वो यही रखें कि वो मैंने पर्सनल माइक्रो फाइनेंसिंग कर देते हैं, और ये कोशिश करें कि साल में 4-5 लोगों को फैमिलियों से उठा लें, कहीं से उठा लें और मॉनिटर करें और गारंटी करें कि वो पैसा जो आप उसको दे रहे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनने में खर्च कर रहा है, वो कहीं जाके अपने किसी कर्जे को नहीं उतार रहा है। वही कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है कि ज़कात जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आज आप ज़कात दे उसको दे, इस तरह दे कि आज ज़कात ले रहा है कल वो ज़कात देने के काबिल बन जाए, अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, आपके पास भी बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं राइट, और एम्प्लॉयमेंट्स एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर्स के साथ अगेन ये तो बात करें कर्ज हंसना की और माइक्रो फाइनेंस की, बट एडवांसेस का ही बहुत इशू आता होगा ईद के टाइम पे स्पेशली, दे एवरीबडी वांट्स द एडवांस, दे कांट डू इट विद द नॉर्मल पे, सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? वेल ऑब्वियसली अब देखिए ईद जो है ये होता है कि अब ज़रूरी नहीं है कि जो है हर चीज़ प्रोफेशनल बेसिस पे हो, देयर आर सम थिंग्स जो ह्यूमन लेवल पे भी होती हैं, अगर जिस तरह जो वर्कर्स हैं उसके पास अपने प्रोफेशनलिज्म असाइड, बट एज अ ह्यूमन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी भी क्या है, तो यू नो लॉयल्टी फैक्टर देता है। सो ऑब्वियसली वन जब हमारे पास या मेरी कोई वर्कर हमारे पास आती है और हम देखते हैं सिचुएशन, देन ऑब्वियसली यू नो क्या नाम है, हम लोग हेल्प करते हैं एज मच एज वी कैन, बट देन अगेन ऑल्सो ऑन द वर्क साइड कि एज पाकिस्तानी नेशन वी टेंड टू एक्सप्लॉइट ऑल द पीपल, वट एवर जेनरोसिटी और कर्टेसी वी गेट, जो भी हमें फायदा होता है तो हम हमेशा तो उसका एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन की बात अगर मैं आपसे करूँ, आप बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं और अभी आप माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा बहुत कम उस पर दे देंगे आप, यानी गारंटी की इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और छोटे से पेपर पे किस चीज़ पर आप दे देंगे उसको, हाँ ज्यूडिशियल ग्रेडी, हाँ कोई गारंटी दे, तो उस पर लोग एक्सप्लॉइट भी बहुत करेंगे, वो तो करेंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं करेंगे, करेंगे तो सही, तो उसको कैसे कोप अप करेंगे आप? नहीं, अगर आप उसको सही तरीके से मॉनिटर करें और उसकी ट्रांसपेरेंसी को रखें, और हमने तजर्बा करके देख लिया मेरिट पे करें 2-3 कम्युनिटी पे, तो वो आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होने जा रहा है। एक्सप्लॉयटेशन जरूर मौजूद है, नेगेटिव पार्ट्स सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन कितने अच्छे पॉजिटिव एक्सप्रेस हैं। आप देखें ये शहर सबसे बड़ा दुनिया का फिलैंथ्रोपी का शहर है, मुबारकबाद वो लोग ईद के सबसे ज्यादा जिन्होंने इस महीने में इबादत तो की लेकिन लोगों की मदद भी की, अतियात से ज़कात से सदकात से और अपनी पर्सनल पॉकेट से इसके अलावा भी मदद की, और आपने तो अपना प्रोफेशनली मदद बना लिया, तो ये मदद का जज्बा रखना जरूरी। और आज ईद का पैगाम ही यही है कि इस मुल्क में जिन लोगों को मदद की जरूरत है, वो लोग जो मदद कर रहे हैं वो और मदद को बढ़ाएं, और जो लोग मदद नहीं कर रहे वो अपने खजानों को खोलें। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बस सोचा है कि इस ईद पे आपने सिर्फ खाना है और कुछ नहीं करना, खाते हुए उन लोगों को याद रखिएगा जिनके पास पीने को पानी भी नहीं था रोजा खोलने के लिए। चले आप खाते हुए उन लोगों को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं तो आपको पता है I never ever eat alone. मैं जब भी खा रही होती हूँ तो मेरे साथ जो भी साइड पर पास पास आगे पीछे होता है सब खाते में बैठते हैं, और चाहे वो एक ठेला हो, क्योंकि मैं अक्सर ठेलों पे ही खाती हूँ, या कुछ भी होता, ऑलवेज ईट विद एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूँ, बिकॉज अब हमें टाइम कम रह गया, एनी मैसेज यू वॉन्ट टू गिव इट टू द वुमेन
as in the normal life and on Eid, and how to spend a beautiful, perfect and pretty life, I would say. Pretty yeah. life. Yeah. भाई सबसे पहली बात है कि ईद पे ईद अपने अपनों के साथ मनाइए, बिकॉज जो है आजकल जिस तरह हालात हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता यू नो कि कब आपको मौका मिले जो है साथ बैठे खाने का. तो जो जो छोटे छोटे ओकेजन जिस तरह आते हैं हमारे कल्चर में और रिलीजन में, इनका इनका फ़ायदा उठाइए. पूरे अपने अपनों के साथ ईद मनाइए, सबको याद रखिए. और जो वुमेन है मैं उनको ये बोलूँगी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बिकॉज यू नो अगर वो खुश रहेंगी तो वो एक अच्छा घर बना सकती हैं. और अगर आप एक तो मैं चाहूंगी आप मैसेज भी दें और उसके साथ साथ थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा इनको बता देंगे, इनको अपने टेस्ट कहाँ जाके कराने चाहिए, सो दैट ऑन दिस ईद एटलीस्ट वी आर गिविंग अ गुड मैसेज, सो दैट जो लोग लड़के लड़कियाँ शादी करने का सोच रहे हैं, फैमिली शादी करा रही है, वो इस चीज़ के बारे में प्रिकॉशन जरूर लें कि उनको क्या करना है. तो प्लीज आप बताइए. दो सवाल. एक तो टेस्ट कहाँ कराना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं जाए, हमारे सेंटर पे आ जाए, आयशा मंजिल AMTF पे, सारे हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, मेडिकल काउंसलिंग होती है, आए वहाँ पे आके मशवरा करें डॉक्टर से मिलें. वैसे हर जगह होता है टेस्ट? जी हाँ. नहीं हर जगह नहीं होता, मुख्तलिफ जगहों पे होता है, लेकिन मैं तो सिर्फ उस अदारे का नाम लूंगा जहाँ पे मुझे बिलीव है कि सही टेस्ट होता है, और कोई महंगा टेस्ट नहीं होता, 500 रुपए में टेस्ट हो जाता है, ठीक है ना. दूसरे अदारों का मुझे पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, जरूर कर रहे हो और उन्हें करना चाहिए. और ईद पर मैसेज वो ये मैसेज है कि बहुत ज़्यादा ढोंगबाजी न करें. अब कौम के हालात ऐसे नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बना के दिखाएं, दीवार के उधर की आवाज़ भी सुने. मेरे मुल्क में बहुत लोग तकलीफ में हैं इस वक्त, परेशानी में, उनका ख्याल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. मुझे बहुत दुख होता है कई जगह पे बे इंतहा खाने पकड़े होते हैं, और कई जगह मैं देखता हूँ कि उस बेचारे के पास शराफत में मांगने के लिए मुंह भी नहीं है कि उसके घर में अंडियाँ नहीं पकती और बच्चे भूखे सो जाते हैं. ये हकीकत है, वी आर बिलो पॉवर्टी लेवल नेशन नाउ. ट्रू, वेरी ट्रू, एंड वी रियली हैव टू थिंक दैट. पूरे रमजान में जो हमने शो किया आपसे 20 शोज के, इस पर आपको कोई ना कोई थॉट दिया कि इस पर सोचे, तो इन दोनों थॉट्स पे भी सोचना है. एक तो आपने अपना ख्याल रखना है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपने जाके पैसे खर्च करने हैं, आप अपने घर में अपने रूम में बैठ कर अपना ख्याल रख सकते हो. जस्ट हैव टू क्लीन योर सेल्फ, प्लीज डू दैट, बिकॉज अगर आप खुद हाइजेनिक रहेंगे, इट्स नॉट अ ब्यूटी एस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप खुद हाइजेनिक रहेंगे तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी यू नो हाइजीन की तरफ आएंगे. और दूसरा अतीक साहब ने कहा जिस तरह टेस्ट कोई महंगा नहीं, आप प्लीज जाएं टेस्ट कराएं. आप इनके इदारे में भी जा सकते हैं, और भी इदारे करा रहे हैं, प्लीज अपना टेस्ट जरूर कराएं शादी से पहले, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाली जनरेशन आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है. और सेकेंडली अगर आपके पास बहुत कुछ है तो शेयर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयर से चीजें बढ़ती है. जिस तरह मैं अभी शेयर करूँ, लेकिन ये खाने के लिए दोनों तैयार नहीं है, कह रहा मैं ही खा रहे, प्लीज कुछ खा ले, मैं ही खाती रहूंगी, नहीं खा रहे कुछ. तो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे. थैंक यू सो मच अतीक साहब आपके आने का. समीर आपसे कुछ और बातें करनी है हमको, थोड़ी सी और गुफ्तगू करनी, सो प्लीज स्टे विद अस फॉर अ वाइल. एंड थैंक यू सो मच अतीक साहब आपके आने का. हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज. एंड ईद मुबारक टू ऑल.